Hello and welcome, dear student. Welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss how method how to find a polynomial is reducible or irreducible over the field Z over Zx. So for this, the topic is Eisenstein criteria. From Eisenstein criteria, we can easily find out that the given polynomial is irreducible or not over the field Z. In Eisenstein criteria, we have an prime okay? which divide a polynomial's coefficients up to so on except the leading coefficient of that polynomial and square of that prime number does not divide the constant term of that polynomial then if there exists such prime then the given polynomial is irreducible over z. This is the Einstein criteria. Okay now write down the क्राइटेरिया स्टेन क्राइटेरिया हमारे पास क्या होगा इसमें हमारे पास लेट लेट एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू ए नोड प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र एंड अप टू सो ऑल प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स रेस टू पावर एन बी ए पोलोम बिलोंगिंग टू जेड ओवर एक्स ठीक है देन देन देर एग्जिस्ट इफ देर एग्जिस्ट देर एग्जिस्ट ए प्राइम p such that such that p divides a note take it, P divides a 1 p divides a 2 and up to so on p divides a n minus An 1 and p, p does not divide a n and पी डज पी स्क्र डज नॉट डिवाइंड ए नॉट देन देन पोलोमियल पोलोमियल एफोफेक्स इज इड्यूसीबल ओवर जेड एक्स ठीक है तो यह हमारे पास क्या होता है आइंसाइन क्राइटेरिया कि अगर हमें ऐसा मिल जाएगा ओवर क्यू ठीक है ओवर over... क्यों अगर ये हमारे पास सबसे पहली कंडीशन जो गिवन पोलोमिल है वो हमारे पास जेड एक्स से बिलोंग करती हो ठीक है उसके बाद हमें एक ऐसा पोलोमिल सॉरी ऐसा प्राइम मिल जाए सच दैट दैट प्राइम डिवाइड ए नोड ए वन ए टू एंड अपू सोन एन माइनस वन बट डज नॉट डिवाइड डि एंड ऑफ दैट प्राइम डज नॉट डिवाइड द टर्म ऑफ दैट पोलोमिल गिवन पोलोमिल इज डायरेक्टली इिड्यूसिबल ओवर द फील्ड क्यू। इससे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जो गिवन पोलोमिल है वो हमारे पास इिड्यूसिबल है या इिड्यूसिबल है ठीक है और इिड्यूसिबिलिटी की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में करी थी कि अगर किसी पोलोमिल को हम एच ओफेक्स इंटू जियोफेक्स की फॉर्म में लिख दें तो उसका सिर्फ अगर एच ओफेक्स एक, एक यूनिट है उस फील्ड में या जियोफैक्स एक यूनिट है ठीक है लिखने का तरीका ये है तो उस पोलोमिल को हम इ रिड्यूसीबल पोलोमिल बोलते हैं और अगर एच ओ फैक्स और जियोफैक्स में एक भी पोलोमिल या एक भी पोलोमिल यूनिट एलिमेंट नहीं है ओवर द फील्ड जो दे रखी है तो वो पास पुल, है, 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 पास है। example, हमारे पास पोलोमिल क्या होती है रिड्यूसिबल होती है या फिर उसको हम बोलते हैं नॉट रिड्यूसिबल ठीक है और ये हमारे पास आइंस्टाइन क्राइटेरिया है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो हमारे पास एक पोलोमिल है जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस टू पावर फाइव प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व लेट दिस इज आवर एफ ओफ एक्स ये हमारे पास एफ ओफ एक्स है नाउ दिस एफ ओफ एक्स कैन बी रिटर्न एज एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर फाइव प्लस जीरो इंटू एक्स रेस टू पावर फोर प्लस जीरो इंटू एक्स रेस टू पावर थ्री प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व वी कैन राइट दिस एज इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास ए नोट है ठीक है और ये हमारे पास क्या है वन कोफिशियंट है तो ए एन कितना है वन है और ए नोट कितना है ट्वेल्व है तो अगर हम यहाँ से टू देखें ठीक है टू भी कर रहा है इसको ठीक है लेकिन टू का स्केयर है अब देखो कोई बच्चा चेक करे इफ पी इज इक्वल टू टू एक प्राइम नंबर है ठीक है तो अगर कोई इसको चेक करे तो अब देखो टू प्राइम नंबर है वो ट्वेल्व को कर रहा है टू प्राइम नंबर वो सिक्स को कर रहा है और टू जीरो को भी कर रहा है तो इसको इसको इसको, इसको तीनों को कर रहा है और टू है वो एक को नहीं कर रहा लेकिन टू का स्क्यर है वो ट्वेल्व को कर रहा है देखो ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो उसका स्क्यर ए नोट को डिवाइड ना करे लेकिन यहाँ पे तो टू का स्क्यर कितना हो जाएगा फोर फोर डिवाइड टेल्व ट्वेल्व ठीक है तो इसका मतलब ये हमारे पास पी की वैल्यू नॉट पॉसिबल ठीक है ये हमारे पास क्या आ जाएगी पॉसिबल वैल्यू नहीं है पी की लेकिन अगर इफ पी इज इक्वल टू थ्री हो जाए ठीक है थ्री एक प्राइम नंबर है नाउ इफ आई चेक द कंडीशन ऑफ आइसें ट्वेल्व थ्री डिवाइड्स सिक्स एंड थ्री से जीरो थ्री डिवाइड जीरो थ्री डिवाइड जीरोजी जीरो जीरो आर द कोफिशेंट ऑफ एक्स फोर एक्स क्यूब एक्स स्क् एंड थ्री डज नॉट डिवाइड वन एंड थ्री स्क्ट डिवाइड ट्वेल्व बिकॉज नाइन डज नॉट ट्वेल्व डिवाइड ट्वेल्व ये हमारे पास प्राइम हो जाएगा जो Eisenstein क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है देन बाई by Eisenstein क्राइटेरिया एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइव प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व इज इड्यूसिबल पोलोमियल तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इोड्यूसीबल पोलोमियल हो जाएगी ठीक है और हम ले मान लो हमने ले ली एक्स की पावर सिक्स एक्स की पावर सिक्स प्लस एटीन एक्स की पावर फाइव प्लस फिफ्टीन एक्स की पावर या टेन एक्स की पावर फोर ठीक है फिर हमने ले ली फोर एक्स स्क् प्लस फोर एक्स स्क्र प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस सिक्स दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स अब इसके लिए प्राइम देखें हम तो इसके लिए प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा टू आ जाएगा ठीक है टू प्राइम होगा टू प्राइम इसके लिए तो हमारे पास फिट नहीं था बिकॉज कहाँ पे हमारे पास गलती आई कि यहाँ पे उसका स्क्वेयर उसको डिवाइड कर रहा था दिस सिंपलाइज दैट दिस इज द नॉट रिक्वायर्ड प्राइम नंबर लेकिन इफ यहाँ से हम स्टार्ट करें इफ p इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने 2 ले लिया अब 2 किसको डिवाइड कर रहा है 6 को डिवाइड कर रहा है 220 को भी डिवाइड कर रहा है 24 को भी डिवाइड कर रहा है फिर 210 को भी डिवाइड कर रहा है ठीक है और फिर टू एटीन को भी डिवाइड कर रहा है ठीक है बट यहाँ से हम देखें टू डिवाइड नहीं कर रहा कि किसको वन को वन है हमारे पास कोफिशेंट और टू का स्क्र इसको डिवाइड ना करे सिक्स को तो टू का स्क्र फोर डज नॉट डिवाइड सिक्स देन दिस इज द रिक्वायर्ड प्राइम नंबर ठीक है ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड प्राइम नंबर अब देखो यहां से हमारे पास क्या है बाय आइंस्टाइन क्राइटेरिया गिवन पोलोमियल ठीक है इज इ तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी इरिड्यूसिबल रिड्यूसीबल हो जाएगी ठीक है अब इसके बाद एक बात और है कि अगर हमारे पास देखो उसने क्या बोला देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ए प्राइम पी ठीक है कि अगर हमारे पास एक ऐसा प्राइम मिल जाता है जो ऐसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्राइम सिर्फ एक ही हो क्या था किसी पोलोमल में हमारे पास तीन प्राइम ऐसे मिल जाए जो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हो क्या दो मिल जाए और कई बार ऐसा होगा कि एक भी प्राइम हमें नहीं मिलेगा ठीक है जो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट बात सेकेंड बात ये हमारे पास सुफिशेंट कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि अगर कोई पोलोमिल हमारे पास ओवर जेड ऑफ एक्स है और हमें एक ऐसा प्राइम मिलेगा ही मिलेगा अगर ऐसा प्राइम नहीं मिलता है हमारे पास तब भी जो गिवन पोलोमिल है वो हमारे पास इरिड्यूसीबल हो सकती है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके साथ में हम लिखेंगे दिस इज द ओनली नेसेसरी कंडीशन sorry only sufficient condition not necessary condition if such prime does not exist for such for any polynomial any specific polynomial then may, may be the case the given polynomial is irreducible over q for example if i take f of x is equal to f of x is equal to x square plus 1 belonging to z over x now it can be written as f of x is equal to uh, x square प्लस जीरो एक्स प्लस वन है द कॉन्स्टेंट ट्रम ए नोड इज इक्वल टू वन नाउ इफ पी इज ए प्राइम नंबर दैट डिवाइड वन देन सच प्राइम डज नॉट सच प्राइम डज डज नॉट नॉट एक्सिस्ट एंड आई सनस्टेन क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल ठीक है बट ठीक है बट एफ ऑफ एक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि एफ ओफेक्स को हम क्या लिख सकते हैं एफओेक्स इज इक्वल टू एक ही तरीके है कि एक्स प्लस आयोटा ठीक है और एक्स माइनस आयोटा ठीक है इस तरह लिखेंगे हम इसको लेकिन ये जेड एक्स से बिलोंग नहीं करती है इसको हम ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकते बट एफओक्स इज ई ठीक है इ ओवर क्यू तो ये हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल हो जाएगा कि जो गिवन पोलोमल है वो हमारे पास क्या है इरिड्यूसिबल है लेकिन इस पर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब जो क्रेटेरिया है, वो हमारे पास सिर्फ एक सुफिशियंट कंडीशन है नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इड्यूसिबिलिटी अब एक क्वेश्चन करेंगे नेट के एग्जाम में आया हुआ है जिसपे अंस क्राइटेरिया एप्लीकेबल है ठीक है वो क्या करता है मोस्टली ऐसी ऐसी ऐसे, ऐसे, ऐसे को, कोफिशंट देगा जिसके हमें पता होना चाहिए कि उसको प्राइम डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। इसी तरह दिसंबर 2012 में उसने क्वेश्चन दिया है। दिसंबर दिसंसीएसआईआर, नेट, दिसंबर 2012 में क्वेश्चन है, ठीक है? कि इफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 312, 312, 312 एक्स प्लस 123 वन टू थ्री बिलोंगिंग टू जेड ओवर एक्स इज ठीक है पूछा है उसने कि इड्यूसिबल है या नहीं है ठीक है ये क्वेश्चन है अब देखो यहाँ से अगर इसके कौन कोफिशियन देखे जाए तो ये भी बहुत हाईर है ये भी बहुत हाइयर अब हमारे पास ऐसे प्राइम एग्जिस्ट करे जो इसको डिवाइड करे इसको डिवाइड करे लेकिन उसका स्केयर है वो इसको डिवाइड ना करे और इसको डिवाइड ना करे तो यहाँ पे हमारे पास टेक p इज इक्वल टू थ्री अगर हम थ्री को लेंगे तो थ्री किसको डिवाइड करेगा वन टू थ्री वन टू थ्री ये तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्वेल्व है यहाँ पे थ्री है यहाँ पे ट्वेल्व है यहाँ पे थ्री है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा फोर वन फोर वन और अगर इसको कर रहा है तो इसको भी करेगा इसमें थ्री पहले ट्वेल्व बाद में थ्री ट्वेल्व तो इसमें हमारे पास क्या आएगा वन फोर वन फोर तो डायरेक्टली थ्री डिवाइड्स दिस एंड थ्री ऑल्सो थ्री वन टू थ्री वन टू बट थ्री डज नॉट डिवाइड वन ठीक है यहाँ पे इसका कोफिशेंट क्या है वन है और यहाँ से एक्स स्क्र है और एक्स क्यूब है और यहाँ से हम प्लस जीरो एक्स स्क्र भी लिख सकते हैं एंड थ्री डिवाइड्स जीरो आल्सो थ्री डज नॉट डिवाइड और थ्री का स्क्यर डज नॉट डिवाइड द कॉन्स्टेंट ट्रम वन टू थ्री वन टू थ्री यू कैन इजली फाइंड आउट नाइन डज नॉट डिवाइड प्रॉपरली वन टू थ्री वन टू थ्री एंड दिस इम्प्लाइज दैट बाई बाईन क्राइटेरिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री वन टू थ्री वन टू इज इड्यूसीबल ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इ रिड्यूसीबल पोलिमिल हो जाएगी ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट दिसंबर ट्वेल्व में ठीक है अब कुछ और क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हो ठीक है अगर ऐसा प्राइम हमें ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा प्राइम मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है और ये हमारे पास सुफिशियंट कंडीशन सुफिशियंट कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन नहीं है ठीक है तो ये था हमारे पास अगेंसेन क्राइटेरिया अब हमारे पास कुछ रिजल्ट है ठीक है कुछ रिजल्ट है और सबसे पहले मैं आपको एक उलोम बता दूं कि ये पोलोमिल है ठीक है क्या एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क् प्लस एक्स प्लस वन सबसे कंफ्यूजिंग पोलोमिल है इसको आप हम जितने भी अब रिजल्ट करेंगे इन के ओवर जेड टू करेंगे या आइसेंसन क्राइटेरिया करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे जैसे इसमें देखो इसको मैं एक्सकेयर कॉमन यहाँ से तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन तो इसको मैं सीखता हूँ एक्स प्लस वन इंटू एक्सकेयर एक प्लस वन तो ये पोलोमिल ऑलवेज ठीक है ऑलवेज रिड्यूसीबल होती है ठीक है ओवर जेड ओवर क्यू ओवर सी ओवर आर ठीक है इन सारे फील्ड के कोरोस्पॉन्डिंग जो गिवन पोलोमिल है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क् प्लस एक्स प्लस वन है वो हमारे पास ऑलवेज क्या होती है रिड्यूसिबल अब हम साइक्लोटोमिक पोलोमल करेंगे ठीक है कि ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस एनड्राउड टू सो ऑन सॉरी एक्स वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क् प्लस एक्स टू सो ऑन एक्स रेस्ट टू पावर पी माइनस वन फोर पी जो प्राइम नंबर इस टाइप के पोलोमिल को हम साइक्लोटोमिक पोलोमिल बोलते हैं तो कई बार बच्चे वहां पे फोर को क्या मान लेते हैं प्राइम नंबर मान लेते हैं और वहां से ये इंटेंसिटी आती है तो ये इंट्यूशन आती है कि यहां से हमारे हमारे पास X 4 1, 3, 3 से okay, पास से स्टार्ट हो ऐसे खत्म होगी ये क्या जाएगी इड्यूसिबल जो गलत है इसके फैक्टर होंगे ऑलवेज ओवर जेड ओवर क्यू ओवर सी दैट दैट इंप्लाइज दैट दिस पोलोम इज ओवर इेड क्यू एंड आर एंड सी ओके तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पोलोमिल है जिसको हमें नहीं बोलना नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट्स हैं फर्स्ट रिजल्ट द फर्स्ट रिजल्ट इज दैट लेट फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट एफ इज ए फील्ड लेट लेट एफ इज ए फील्ड ठीक है यानी एफ की वैल्यू क्या हो सकती है जेड क्यू आर जेड फील्ड नहीं है क्यू आर सी एंड ए इज ए एलिमेंट ऑफ एफ ठीक है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो ये में कंडीशन माननी है उसके बाद जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा वो हमारे पास है कि इफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स इज इरुड्यूसिबल ओवर एफ देन इरुड्यूसिबल ओवर एफ स्मॉल एफ यूज करते हूँ यहां पे देन एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इड्यूसिबल ओवर एफ फील्ड एफ ठीक है ओके नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है सेकंड इफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इरड्यूसीबल ओवर एफ देन एफ ऑफ एक्स इज इफ ठीक है थर्ड है इफ एफ ऑफ ए इंटू एक्स इज इूसिबल ओवर एफ देन एफ ऑफ एक्स इज इरड्यूसिबल ओवर एफ ठीक है ये हमारे पास रिजल्ट होते हैं ठीक है जैसे एग्जाम्पल करें हम इफ़ आई टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगेन पोलोमिल एक्स स्क्र प्लस वन बिलोंगिंग टू जेड ओवर एक्स ठीक है ये हमने पोलोमिल ले ली ओके okay. और Q हमारे पास फील्ड है टेक फील्ड है वो हमने मान लो क्यू ले ली ठीक है सेट ऑफ रैशनल नंबर नाउ वन इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंगिंग टू Q. फ्रॉम हेयर एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्केयर प्लस वन इट इट इज एक्स स्केयर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन इट कैन बी रिटर्न एज एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस टू ओके नाउ इफ फोर पी इज इक्वल टू 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 डिवाइड्स टू टू डिवाइड्स टू टू डज नोट डिवाइड वन एंड टू स्केयर डज नोट डिवाइड टू ओके आइसेंस क्राइटेरिया यहाँ पे लगेगा देन बाई आइसेंस क्राइटेरिया गी एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इड्यूसिबल नाउ अप्लाई द रिजल्ट दिस इफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इड्यूसिबल ओवर एफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इड्यूसिबल तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे सिमिलरली इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ठीक है बिलोंगिंग टू जेड ओवर एक्स नाओ यहाँ पे हम क्या करें यहाँ पे हम अप्लाई कर दें एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री कर दें ठीक है ओवर क्यू देखेंगे तो जीरो डज नॉट इक्वल टू थ्री बिलोंगिंग टू क्यू तो यहां से एफ ओफ एक्स प्लस थ्री करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री नाउ थ्री डिवाइड थ्री एंड थ्री डज नॉट डिवाइड वन एंड थ्री स्क्वायर डज नॉट डिवाइड देन बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया पर पी इज इक्वल टू थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इड्यूसिबल इ रिड्यूसिबल एंड बाई अप्लाइंग दिस रिजल्ट अगेन सेकेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ऑल्सो इ रिड्यूसिबल पोलोमियल ठीक है तो हमारे पास ऐसे ही रिजल्ट यहाँ पे यूज होते हैं ओके नाउ कम टू द साइक्लोटोमिक पोलोमियल साइक्लोटोमिक पोलोमियल होती है साइक्लोटोमिक okay. पोलोमल होती, होती क्या सबसे पहले वो देखेंगे उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो साइक्लोटोमिक पोलोमिल है वो ऑलवेज क्या होती है इड्यूसीबल होती है ठीक है ओवर द फील्ड जो हमें दे रखी है वो कभी भी हमारे पास ओवर क्यू ओवर आर ओवर सी तो हम हमारे पास हो ही जाएगी ये रिजल्ट भी पढ़े थे हमने कि अगर डिग्री दो से बड़ी है तो ओवर आर ऑलवेज रिड्यूसीबल होगी ठीक है और अगर डिग्री एक से बड़ी है तो ओवर सी हमारे पास ऑलवेज रिड्यूसिबल होगी या ऑलवेज नॉट रिड्यूसिबल होगी वो ठीक है एग्जाम्पल लें हम नेक्स्ट इफ़ आई टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब एंड अप अपू सो ओन प्लस एक्स रेस्ट टू पावर पी माइनस वन वेयर पी इज ए प्राइम नंबर वेयर पी इज ए प्राइम नंबर देन दिस इज कॉल्ड साइक्लोटोमिक पोलोमियल साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल ये हमारे पास क्या हो जाएगी साइक्लोटोमिक पोलोमियल जैसे इफ इफ पी इज इक्वल टू फाइव देन एफ एक्स साइक्लोटोमिक पोलोमियल कोरस्पॉन्डिंग टू द प्राइम नंबर फाइव एक्स टू पावर फोर प्लस एक्स रेस्ट टू पावर थ्री प्लस एक्स रेस्ट पावर टू प्लस एक्स प्लस वन ये हमारे पास ऑलवेज रिड्यूसीबल होगी ठीक है ये हमारे पास ऑलवेज क्या होती है ऑलवेज ई रिड्यूसिबल इसको हम चेक करेंगे आज ठीक है इफ p इज इक्वल टू थ्री देन एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर टू प्लस एक्स प्लस वन इड्यूसीबल होगी इफ p इज इक्वल टू सेवन देन एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस एक्स रेज टू पावर फाइव प्लस एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स रेस टू पावर थ्री प्लस एक्स रेस टू पावर टू प्लस एक्स प्लस वन ये सारी की सारी पोलोमियल को हम क्या बोलते हैं साइक्लोटोमिक पोलोमियल ठीक है और ये सारी की सारी क्या होती है इरिड्यूसीबल होती है इफ आई टेक पी इज इक्वल टू इलेवन देन एक्स रेस टू पावर टेन प्लस एक्स रेस टू पावर नाइन एन एफ टू सोन प्लस एक्स प्लस वन इज ऑल्सो साइक्लोटोमिक पोलोमेल कोरोस्पॉडिंग टू द प्राइम नंबर इलेवन विच इज इरड्यूसिबल अब इसको चेक करेंगे हम इसको प्रूफ करेंगे कि हमारे पास क्या होती है इरिड्यूसिबल होती है ठीक है तो गिवन हमारे पास क्या है ये गिवन है यहाँ से तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ओफ एक्स कैन बी रिटर्न एक्स रेस्टू पॉर पी माइनस वन अपोन एक्स माइनस वन ओके यहाँ से हम अगर हम x माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा वन प्लस एक्स प्लस एनअपल एक्स रेस्टू पॉर पी माइनस वन अपोन एक्स माइनस वन इससे ये कैंसिल आउट तो ये हमारे पास क्या एफ ओफ एक्स तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ठीक है अब यहाँ पे है और ओवर क्यों देखेंगे हम ठीक है ओवर क्यों देख रहे हैं तो वन एलिमेंट है ठीक है Uh, 1 hai, not equal to 0 belonging to q now find out f of x plus 1 from here it, it is x plus 1 f of x plus 1 is equal to x plus 1 raised to power p minus 1 upon x plus 1 minus 1 taking 1 to cancel each other इट इज वन अपॉन एक्स नाउ एक्सपेंडिंग दिस बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन वी कैन राइट इज इट एज पी सी जीरो एक्स इन टू पावर जीरो वन रेस टू पावर वन प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी सी वन एक्स रेस टू पावर वन वन रेस टू पावर वन माइनस वन जीरो एंड अप अपू सोन इस तरह चलते जाएगा हमारे पास तो लास्ट में हो जाएगा पी पी सी p माइनस वन एक्स टू पर पी माइनस वन इंटू वन और ये हमारे पास बाइनोमियल और लास्ट में हमारे पास क्या माइनस वन ठीक है इसको हमने इस तरह एक्सपेंड कर लिया ठीक है अब क्या करेंगे ये हमारे पास जाएगा वन बाई एक्स इंटू ये कितना होता है वन एक्स टू पर जीरो वन वन प्लस ये क्या होगा पी इंटू पी माइनस वन बाई टू इंटू एक्स नेक्स्ट होगा हमारे पास पी इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल होगा यहाँ से और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास होगा पी इंटू समथिंग और अपॉन p माइनस वन फैक्टोरियल और x एक्स टू पर माइनस वन और माइनस वन इस वन से हमारे पास ये वन कैंसिल और यहाँ से इस वन बाई एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा p यहाँ से p आएगा सॉरी p पी माइनस वन बाय टू ठीक है टू फैक्टोरियल तो ये बच जाएगा हमारे पास पी प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाय टू एक्स प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स स्केर एंड टू सोन सेम हो जाएगा यहाँ से अब देखो ये हमारे पास पॉलीनोमियल आ गई ये हमारे पास ए नोड है ये हमारे पास ए वन है ये हमारे पास ए टू है एंड सोन लास्ट में हमारे पास पी होगा ठीक है ये इस तरह आ गई कि पी डिवाइड्स पी p divides p into p माइनस वन बाई टू एंड p डिड्स p इंटू p माइनस वन इंटू पी माइनस टू अपॉन टू फैक्टोरियल इस तरह हमारे पास आती रहेगी देन बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया बाई आइंस्टीन क्राइटेरिया द गिवन पोलोमिल इज ठीक है तो हमारे पास जो गिवन पोलोमल है वो हमारे पास क्या हो जाएगी इोड्यूसिबल हो जाएगी ठीक है लास्ट में भी हमारे पास p ये पी आएगा ठीक है ये हमारे पास पी होगा और पी का स्क्वायर यानी ए एन ए एन माइनस वन है सॉरी ए एन है उसकी वैल्यू क्या आ गई पी लेकिन पी स्क्र कभी भी पी को डिवाइड नहीं करेगा ठीक है और पी वन को डिवाइड भी नहीं करता लेकिन पी इसको डिवाइड करेगा पी को पी इन टू पी माइनस वन टू को करेगा तो यहाँ से हमारे पास आ गया बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इरेड्यूसिबल तो हमारे पास वो आ जाएगी इड्यूसिबल इंग दिस सेकेंड रिजल्ट एफोफैक्स इज ऑल्सो इरिड्यूसिबल तो एफोफैक्स भी हमारे पास क्या आ जाएगी इ रिड्यूसीबल तो आपके पास क्वेश्चन ये भी हो सकता था प्रूव दैट ए साइक्लोटोमिक पोलोमिल इज इरिड्यूसिबल ठीक है क्लियर है अब देखो इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास साइक्लोटोमिक पोलोमल है ये हमारे पास इरोड्यूसिबल है ठीक है वेर पी इज ए प्राइम तो हर एक को हम इसी तरह इसी तरीके से कर सकते हैं अगर कोई पी की पार्टिकुलर वैल्यू लेके बोले कि इसको प्रूव करो कि ये हमारे पास इरोड्यूसिबल हो गया या नहीं होगी यू कैन इजली प्रूव दैट बाई दर्नरल प्रूफ द गिवन पोलोमल इज इरोड्यूसिबल और नॉट नाउ इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स और इसको हमने क्या प्रूव कर दिया ये हमारे पास क्या है रिड्यूसीबल पोलिनोम ठीक है ये हमारे पास है इ रिड्यूसिबल पोलिनोम एन इन टू एक्स रेस टू पावर पी माइनस वन ठीक है या एक्स रेस टू माइनस वन रेस टू पावर इस तरह चलती जाएगा ये ठीक है प्लस भी या माइनस भी कुछ भी हो सकता है अब देखो अब क्या होगा यहां से यह है अल्टरनेटिव साइन के साथ और यह हमारे पास पूरे प्लस थे तो अगर यहां से हमने इसको क्या कर प्रूव कर दिया यह हमारे पास इन है तो यहां से हम एक एलिमेंट ले माइनस वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंगिंग टू क्यू ठीक है इोड्यूसीबल पोलोमल ओवर क्यू यह भी हम साथ में लिख सकते हैं ओवर क्यू हमारे पास क्या है इरोड्यूसिबल पोलोमिल फिर हम क्या करेंगे जीरो नॉट इक्वल टू माइनस वन बिलोंगिंग टू क्यू ठीक है अब हम क्या करेंगे अब यहां से हमारे पास रिजल्ट लगाएंगे थर्ड ठीक है बाय थर्ड रिजल्ट थर्ड रिजल्ट इफ आई कैलकुलेट एफ ऑफ माइनस वन इन टू एक्स ये हम कैलकुलेट करें तो यहां से हमारे पास क्या होगा रिप्लेसिंग एक्स विद माइनस एक्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये जाएगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब ठीक है बिकॉज माइनस वन का स्क्वायर वन होगा ठीक है और और जो ओड टर्म है उसमें से माइनस वन कॉमन आ जाएगा एक ऑलरेडी माइनस था तो ये ऐसे रह जाएगा प्लस एक्स रेस टू पावर पी माइनस वन नाउ वी प्रूव दैट दिस इज ए पोलोमियल एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इड्यूसिबल एंड हैंस दिस पोलोमियल इज ऑल्सो इरिड्यूसिबल तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी इरिड्यूसिबल पोलोमियल ठीक है नेक्स्ट इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्वियर माइनस एक्स क्यूब एंड अप अपू सो ऑन माइनस एक्स टू पावर पी माइनस वन अब शो दैट दिस इज़ ऑल्सो इोड्यूसिबल फॉर दिस पोलियोमिल बाय रिजल्ट फर्स्ट बाय फर्स्ट रिजल्ट इस पर हम फर्स्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे क्या कि हम यहां से क्या लेंगे जीरो नॉट इक्वल टू माइनस वन बिलोंगिंग टू लकुलेट माइनस वन इंटू एफ ओफ एक्स ठीक है ये मार इसको एफ वन एक्स ले लेते हैं एफ वन एक्स इंटू माइनस वन तो ये क्या आ जाएगा पी माइनस वन एंड दिस इज अगेन दैट पॉलीनोमियल एंड वी प्रूव दैट दिस पॉलीनोमियल इज इबल पॉलीनोमियल ओवर क्यू देन बाय द रिजल्ट फर्स्ट है माइनस वन इंटू एफ ओफ एक्स लाइक दिस पॉलीनोमियल इज ऑल्सो इोड्यूसीबल एंड दिस पॉलीनोमियल इज irreducible ठीक है तो ये पॉलीनोमियल हमारे पास क्या हो जाएगी irreducible polynomial हो जाएगी ठीक है ये हमारे पास कुछ रिजल्ट थे ठीक है फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ से हमारे पास रिजल्ट हो गया इन जितने एग्जांपल के हमने यहाँ से क्या कि इफ f(x) इज irreducible irreducible ओवर q एंड If f of x cannot be written as a into f of x where a is not equal to 1 and minus 1, then given polynomial is also irreducible over z. So result result is that if f of x is irreducible over q and एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ए इंटू जी ऑफ एक्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन एंड वेर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस वन और वन देन एफ ऑफ एक्स इज इूसिबल ओवर सेट ठीक है ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है कि अगर एक पोलोमिल है ओवर के वो हमारे पास वो इरिड्यूसीबल हमने प्रूव कर दी ठीक है और उस पोलोमल को हम ए इंटू एक नंबर इंटू जियो फैक्स दूसरी पोलोमल के फॉर्म में नहीं लिख सकते ठीक है और ए की वैल्यू क्या है प्लस माइनस वन ठीक है ए की वैल्यू प्लस माइनस वन ना हो ठीक है ये ना हो किसी पोलोमल को मैसो तो नहीं सकते एफ ओ फैक्स इजकल टू माइनस एफ ओ फैक्स ये पॉसिबिलिटी ना हो और एफ ओ फैक्स इज इक्वल टू एफ ओ फैक्स ये पॉसिबिलिटी ना हो ठीक है तो अगर ये पॉसिबिलिटी ना हो यानी ए की वैल्यू कुछ और हो और उस लाइक टू थ्री फोर एंड टू सोन तो इस तरीके से अगर ना लिख पाए हम अगर ना लिख पाए तो उस पोलियोमिल को हम इरिड्यूसीबल बोल देंगे ओवर जेड आल्सो ठीक है ये हमारे पास रिजल्ट है जैसे एग्जाम्पल करेंगे हम फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एफ ऑफ x स्क्यर माइनस थ्री ये लिख दिया मैंने अब देखो एक्स स्क् माइनस थ्री है इसको हम कैसे लिखते हैं एक्स माइनस रूट थ्री इन एक्स प्लस रूट थ्री लेकिन ऐसे तो हम इसको फैक्टराइज़ नहीं कर सकते किस में बिलोंगिंग टू क्यू एंड दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इड्यूसिबल पोलोमियल इलोमियल ओवर क्यू नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्र माइनस थ्री कैन नोट बी कैन नॉट बी रिटर्न एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री इसको हम एक ही तरीके से दे सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन इंटू एक्स क्यूब माइन एक्स स्क्र ठीक है एक्स स्क्र माइनस थ्री एंड दिस इम्प्लाइज दैट देर इज नो अदर वे नो अदर वे टू राइट पोलोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इन टू जी ऑफ एक्स ओके कोई भी हमारे पास ए ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए हम इस पोलोमियल को ऐसे, ऐसे ना लिख पाए डिस इम्प्लाइज दैट बाय अबोव रिजल्ट बाई अबोव रिजल्ट गिवन पोलोमियल इज इल ओवर जेड ऑल्सो ठीक है ओवर जेड भी हमारे पास क्या हो जाएगी ये इडसीबल हो जाएगी ठीक है सिमिलरली अगर मैंने ये ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर सिक्स प्लस एक्स रेस टू पावर फाइव प्लस एक्स रेस टू पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन अगर मैंने ये ले लिया यहाँ से तो यहाँ भी हम इस एफ ऑफ एक्स को कभी भी ऐसे नहीं लिख पाएंगे ऐसे नहीं लिख सकते ए इन टू यहां पर कोई पोलोमल जीओ फैक्स हो एंड दिस इंप्लाइज दैट एफ ओफेक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड ठीक है ओवर जेड भी हमारे पास क्या हो जाएगी इड्यूसिबल हो जाएगी ठीक है एक क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोलोमल आर इरोड्यूसिबल ओवर जेड अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन है विच ऑफ दा और ऐसे एग्जाम में आएगा विच ऑफ दा Following polynomial is irreducible over z over the set of integers. First option is x square minus 5, second is x yeah, 1 plus 1 plus x plus 1 plus x square. प्लस वन प्लस एक्स की पावर थ्री एंड प्लस वन प्लस एक्स रेस्ट्यू पावर फोर ठीक है थर्ड वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर फोर्थ है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब जिसका हमने आज जिक्र किया था ये तो वही पॉलमिल है ठीक है ये है हमारे पास तो इसमें जो ऊपर वाली तीन है यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड है इस पर फर्स्ट रिजल्ट ये जो ऊपर जो हमने रिजल्ट लिखा है ये अप्लाई हो जाएगा यहां से क्या कि इफ एफ ओफ एक्स इज इड्यूसिबल ओवर क्यू इसको हमने प्रूव किया है कि इ है ठीक है इसको हमने प्रूव किया इोड्यूसिबल है इसको हमने प्रूव किया इरिड्यूसिबल है यानी एक्स स्क्र माइनस अभी थ्री किया था वहां पे फाइव है ओवर क्यू हमारे पास क्या है इोड्यूसिबल इ ओवर क्यू ठीक है ये हमारे पास के, ये हमारे पास क्या है साइक्लोटॉमिक पोलोमिल तो है p इज इक्वल टू फाइव ले और इसको हमने आज ही प्रूफ किया है कि हमारे पास ए है ओवर क्यू के ठीक है और अगर ए है तो यहाँ पे x को हमने 1 प्लस एक्स तो रिप्लेस किया है तो यह भी हमारे पास क्या आ जाएगी ओवर ए रिड्यूसीबल ओवर ओवर क्यू और यहाँ से अगर तीनों पोलोमिल को ऐसे नहीं लिख सकते एफ ओफ एक्स कैन नॉट बी रिटर्न एज ए इंटू जी ओफ एक्स और ए इज नॉट इक्वल टू माइनस वन एंड वन हम किसी भी पोलोमिल को इस तरीके से नहीं लिख सकते ठीक है एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस पोलोमिल आर इूसिबल ओवर जेड बाय द अबोव रिजल्ट बट ये पोलोमिल है इसका तो हमें फैक्टर पता है कि वन प्लस एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस वन इसको तो हम ऐसे ले सकते हैं और अब अभी मैंने बोला था अब देखो फ्लो फ्लो में बच्चा क्या बोलेगा जैसे उसने ये पोलोमियल ऐसे यहां पे ऐसे ही दी है कि x4, फोर एक्स x1, एक्सकेर एक्स वन एक्स क्यूब एक्स प्लस तो वो बच्चा इसको भी क्या बोल देगा साइक्लोटोमिक पोलोमियल लेकिन इसमें p यहाँ पे फोर यूज किया है ठीक है यानी वन प्लस एक्स प्लस एक्सकेयर प्लस एक्स क्यूब यानी यहाँ पे फोर माइनस वन ठीक है ये यूज किया है बट फोर पी इज इक्वल टू फोर नॉट ए प्राइम And this implies that this is not a cyclotomic polynomial and the uh, the previous result is not applicable for this polynomial because this is not a cyclotomic polynomial this polynomial can be written as as of two factor h of x into g of x h of x into g of x but neither of h of x and g of x are unit element in z or we can say that q and this implies that the given polynomial is irreducible सॉरी uh, रिड्यूसिबल या फिर वी कैन से दैट नॉट इरिड्यूसीबल ओवर द फील्ड क्यू एज वेल एज ओवर द फील्ड जेड सेट ऑफ इंटीजर ओके तो ये हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह से करेंगे हम ठीक है तो ये था हमारे पास आंसंस इन क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द गिवन पोलोमेल इज इबल और नॉट इरेड्यूसीबल ओवर द गिवन फील्ड फॉर दिस इफ देर एग्जिस प्राइम विच सेटिस्फाई द गि कंडीशन वी विल डिस्कस in this lecture then the given polynomial is irreducible otherwise otherwise we otherwise otherwise it is not reducible because this is only sufficient condition not necessary condition we cannot say that if a polynomial is does if there exists there does not exist such फाई दस इन क्राइटेरियाज नॉट इरिड्यूसिबल फॉर दिसक एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्ल टू एक्सर प्लस प्लस टू एक्सर प्लस टू सो ऑन विच इज इड्यूसिबल बट नॉट सेफाई द आंसंस इन क्राइटेरियान आंसंस इन क्राइटेरिया इज ओनली दफिशियंट कंडीशन इफ देर एग्जिस्ट प्राइम दैन द गिवन पोलोमल इज इरड्यूसिबल ओके नेक्स्ट हम करेंगे ओवर द फाइनाइट फील्ड जेड टू जेड एन जेड थ्री जेड फोर जेड पी इनके कोरस्पोंडिंग हम टोटल नंबर ऑफ पोलोमिल निकालेंगे कि ओवर जेड टू थर्ड डिग्री की या टू डिग्री की कितनी पोलोमिल होगी जो हमारे पास किससे ओवर जेड टू रिड्यूसीबल होगी सिमिलरली जेड थ्री जेड फाइव जेड फाइव तक किमी करेंगे क्योंकि मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ओवर जेड फाइव तक पूछे जाते हैं कि ओवर जेड फाइव तक कितने होंगे ठीक है मोस्टली रेयर टू रेयर केसेस में जेड सेवन तक पूछ सकते हैं ठीक है तो वो हम डिस्कस करेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे कि सारी की सारी पोलोमिल्स ठीक है और उसके बाद फैक्टरिंग फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे जेड एक्स के ओ एक्स आर एक्स सी एक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इसका कोरस्पोंडिंग फाइनाइट फील्ड फाइनाइट फील्ड बनाएंगे जिनको हम गलोइ फील्ड बोलते हैं फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर पी रेस टू पावर एंड टाइप्स की फाइनाइट फील्ड बनाएंगे जिसके लिए हमारे पास फैक्टरिंग का यूज होगा जो हम इस लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे ठीक है और सबसे पहले तो हम जेट टू पर करेंगे उसके बाद हम इस इस सब को डिस्कस करने वाले हैं ठीक है उसके बाद हम गलोइस फील्ड पे जाएंगे ओके तो ये हमारे पास क्रोनोलॉजी होगी तो ये था हमारे पास लेक्चर ऑफ आइंस इन क्राइटेरिया ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फाइनाइट फील्ड के कोरोस्पॉन्डिंग पॉलोमल की इरोड्यूसिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग